आज मैं कोलकाता के इंडिया रेस्टोरेंट स्टाइल मटन की हलीम शेयर कर रही हूँ। और हलीम किसका किसका फेवरेट है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत पसंद है। हलीम तीखा होता है और खट्टा होता है। जब हम गरम गरम हलीम खाते हैं तो हमारी कान झनझना जाती है उसके तीखेपन से, क्योंकि हलीम स्पाइसी तैयार किया जाता है। इसे मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा है, आपको कैसा लगा। और इस हलीम को मैं कुकर में बनाई हूँ, देख लीजिए इसका टेक्सचर, देख लीजिए कहीं से ये एकदम लिक्विड नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं भी दाल इसका देखिए खड़ा खड़ा दिख रहा है, जैसे हम रेस्टोरेंट से हलीम लाते हैं बिल्कुल वैसे ही है ये। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला ही, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, लजीज दस्तरखान मेरे चैनल पे सभी प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। मैं कोलकाता के इंडिया रेस्टोरेंट स्टाइल मटन के हलीम की रेसिपी शेयर करी, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान में इंडिया रेस्टोरेंट के हलीम की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है, आप इसे ट्राई करके बताइएगा। इनका टेस्ट तीखा और खट्टा होता है। जब हम गर्म गर्म हलीम खाते हैं तो हमारा कान झनझना जाता है उसका तीखेपन से, और मैं पूरी कोशिश की हूँ वो टेस्ट इस हलीम में आए, तो बिल्कुल वैसे ही बना, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हलीम बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। और मैं 200 ग्राम मटन ली हूँ विथ बोन और विथ फैट के साथ है, आप बिल्कुल ऐसे ही लीजिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मटन में। आप चाहे तो इससे भी छोटा पीस करवा सकते हैं। और हमें चाहिए गेहूँ और जौ, जौ बिना छिलके वाला चाहिए, तो यहाँ पर मैं गेहूँ ली हूँ और जौ, गेहूँ जौ को हमें रात भर भिंगो के रखना है, रात भर भिंगाएंगे नहीं तो अच्छे से फूलेगा नहीं। आपके पास जौ और गेहूं नहीं है तो आप दलिया यूज़ कर सकते हैं, बट रियल टेस्ट के लिए, ओरिजिनल टेस्ट के लिए जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उसके लिए आपको दलिया और गेहूं यूज़ करना ही होगा, और बिना छिलके वाला हमें जौ चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून गेहूँ पहले से भिंगो दी थी, यानी रात भर भिंगो कर रखी थी, तब ये फूल कर इतना हो चुका है। इस टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून है और इस टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून जौ है, इस दोनों को मैं रात भर भिंगा के रखी थी। और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने हिसाब से रखें। और इस टेबल स्पून से मैं 2 टेबल स्पून अरवा चावल ली हूँ, इसे कच्चा चावल भी कहते हैं। 1.5 टेबल स्पून अरहर दाल ली हूँ, 1.5 टेबल स्पून मूँग दाल ली हूँ, ये छिलके के साथ है, बिना छिलका का भी आप ले सकते हैं। और 1.5 टेबल स्पून चना दाल, 1.5 टेबल स्पून उड़द दाल, ये भी छिलके के साथ लेना है। और 1.5 टेबल स्पून बिना छिलके के साथ लेना है, उड़द दाल है ये भी। और 1.5 टेबल स्पून मसूर दाल, सब मैं इस टेबल स्पून से ली हूँ। और 4 हमें हरी मिर्च चाहिए, ये कम तीखी वाली मिर्ची है, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ये छोटी वाली मिर्ची ले लें, ये ज़्यादा तीखी होती है और ये कम तीखी होती है। सबसे पहले दाल को अच्छे से चुन के साफ़ करके 4 से 5 पानी अच्छे से धो लेना, दाल एकदम साफ़ हो जाना चाहिए। दाल में यहाँ पर 5 पानी अच्छे से धो ली हूँ और इसे मैं बनाऊँगी कुकर में। और हाँ, रेस्टोरेंट में हलीम की दाल तैयार की जाती है, देग में तैयार की जाती है, 3-4 घंटा वक्त लगता है, और इसे मैं कुकर बनाऊँगी, टेक्स्चर में कहीं फ़र्क नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसे मैंने देग में बनाया है। दाल को आप पहले से भिंगा के रखें तो सीटी कम यहाँ पर यूज़ होगी, अगर दाल फ़ौरन बना रहे जैसे मैं अभी फ़ौरन दाल बना रही भिंगो के नहीं रखी हूँ, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सीटी लगाना होगा, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और हलीम की एक वीडियो और है, आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे है। दाल में हमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस हल्दी, नमक, गेहूँ, जौ और सारे दाल हमें चाहिए। और मिर्ची को मैं यहाँ पर तोड़ के डाल रही हूँ और 5 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी जो है पतली चाहिए, इसलिए 5 गिलास पानी आप भी यूज़ करें। उनमें जो खानजमा बनाते हैं, बुआरची जो बनाते हैं और हम लोग घर में बनाते हैं, सबका तरीका अलग होता है, किसी का एक नहीं हो सकता है। 5 गिलास पानी मैं ऐड करती हूँ। अब मैं हाई फ्लेम पे 4 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद फ्लेम को लो कर दूंगी, लो फ्लेम पे 7 से 8 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। दाल हमारी पक रही है, चलिए मटन देख लेते हैं। मटन में यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन और नमक डालकर इसे अच्छे से मिला दूँगी, और मिलाकर इसे मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए रख दूँगी। 110 ग्राम घी और 110 ग्राम तेल, इन दोनों को मिलाकर 220 ग्राम में मैं 350 ग्राम प्याज को फ्राई की हूँ, जिसे बिरिस्ता कहते हैं, और इसे अच्छे से हमें मैश कर लेना है, यानी चूर कर लेना है। रेस्टोरेंट की हलीम बहुत ऑयली होती है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे मैं कम यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया है,
और हमें चाहिए 2.5 टेबल स्पून हलीम मसाला। और इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। हलीम में दही यूज़ नहीं किया जाता है, इमली यूज़ किया जाता है। तो मैं 40 ग्राम इमली को भिंगा के रखी हूँ। हमें इसका सिर्फ पल्प चाहिए। और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, 4-5 ड्रॉप मुगलाई मीठा तड़का। इसे डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्टोरेंट में इसे डाला जाता है। जब आप हलीम खाते होंगे देखते होंगे कितना खुशबूदार हलीम होता है इसी वजह से। और हमें चाहिए 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये गरम मसाला मेरा होममेड है, वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, देख लीजिएगा। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून काला नमक और 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का हमें पेस्ट चाहिए। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च, लेमन जूस, थोड़ा सा हलीम मसाला। और यहाँ पे हमें प्याज नहीं डालना है, 2 तेज़पत्ता में डाली हूँ, 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ली हूँ। और मैरिनेट किया हुआ हमें मटन डालकर अच्छे से भून लेना है 2 मिनट। और यहाँ पे मैं सारे मसाले को डाल दे रही हूँ। 1/2 टीस्पून में कश्मीरी मिर्च भी डाल रही हूँ, कश्मीरी मिर्च पाउडर है ये। 1 टीस्पून गर्म मसाला और अदरक लहसुन हमें अभी नहीं डालना है क्योंकि मैरिनेशन के टाइम में अदरक लहसुन डाली थी, टेस्ट अच्छा के लिए हमें बाद में डालना है। मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट में अच्छे से मसाले को भून ली हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और डालकर अच्छे से चला लूँगी। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। अगर अदरक लहसुन में पहले डाल देती तो हलीम में टेस्ट कम आता है, तो आप भी ये प्रोसेस ज़रूर अप्लाई करें अच्छा टेस्ट के लिए। अब इसे मैं ढककर मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लूँगी। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालकर 4 से 5 सीटी लगा लूँगी। मटन बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसे गलाने के लिए हमें 4 से 5 सीटी लगाना ही होगा। और इस तरीके से मैं मसल मसल कर इमली का पल्प निकाल लूँगी, बस हमें पल्प चाहिए। 4 सीटी हो चुकी है, मटन अच्छे से गल गया है और दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है। दाल दिखने में ऐसी लग रही है कि इसे मैंने कुकर में ना बना के हांडी में बनाया। देखिए दाल कितना खड़ा खड़ा दिख रही है, कहीं से भी ये ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम चूर हो गया, मैश हो गया है। आप भी इसी तरीके से दाल बनाएं कुकर में। गेहूँ जौ की जगह पे आप दलिया यूज़ करते हैं तो आपको इसे बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं होती, बट यहाँ पर मैं जौ और गेहूँ डाली हूँ इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसे मैश कर लेना है ताकि अच्छे से मिल जाए। दाल में मटन और सारे मसाले डालकर 15 मिनट हमें इसे पकाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें 1 गिलास पानी और यूज़ करना होगा ताकि दाल हमारा गाढ़ा ना हो। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी ली हूँ, आप भी गर्म पानी यूज़ करें। इमली का पल्प इसमें डाल देना है और साथ में ये घी और तेल का मिक्सर भी हमें डाल देना है। थोड़ा सा रख लेना है गार्निशिंग के लिए, और ब्रिस्ता भी हमें थोड़ा सा रख लेना है लास्ट में गार्निशिंग के लिए। और ये है हलीम मसाला, इसमें से भी मैं थोड़ा रख लूँगी। थोड़ा सा हलीम मसाला मैं रख ली हूँ और इसी वक्त मैं केवड़ा वाटर, मुगलई मीठा अदरक भी मिला दूंगी। मुगलई मीठा अदरक का 4 से 5 ड्रॉप ही डालें। और सबसे ज़रूरी बात, हलीम में प्याज का तड़का नहीं लगाया जाता है। आप रेस्टोरेंट में जाकर देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। जब रेस्टोरेंट के किचन में देख तैयार हो जाता है उसे बाहर लाते हैं, उससे पहले उसमें मिर्ची का तड़का लगा कर लाते हैं। हलीम में जब मिर्ची का तड़का लगाया जाता है तो कलर भी बहुत ही खिलकर आता है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है हलीम का। इसका कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतना ही होना चाहिए क्योंकि इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट ढककर पकाना है ताकि सारे मसाले का फ्लेवर हलीम में आ जाए। 15 मिनट हो चुका है और हलीम यहाँ पर रेडी है, मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। देख लीजिए कितना बेहतरीन हलीम बना है। और इसे हमें इतना ही पतला चाहिए क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तड़का के लिए 2 टेबल स्पून घी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर से मिक्स वाला तेल 1 टेबल स्पून ले ले रही हूँ। थोड़ा सा रख ले रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर घी ऐड करूँगी और इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। तीखी वाले मिर्ची हमें यूज़ करना है, कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करना है। जैसे घी में मिर्ची डालना है फ़ौरन तड़का लगा देना है, मिर्ची का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देख लीजिए कितना प्यारा कलर आया है हलीम का। जैसे मैंने बताया, किचन से जब हलीम का देख रेस्टोरेंट के बाहर लाते हैं तो उसमें इस तरह का सा तड़का लगा के लाते हैं, तब जाके हलीम का कलर इतना अच्छा आता है। और मटन भी हमारा गल चुका है, मैं दिखला दे रही हूँ और इसे मैं डिश आउट कर ले रही हूँ। मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है हलीम का। लग रहा है कि इसे मैंने रेस्टोरेंट से मंगाया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। हलीम मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप देख लीजिएगा। और हलीम में खसखस, काजू,
ये सब नहीं डाला जाता है क्योंकि ये हलीम है, कोई कोरमा रजाला चाप नहीं है। जैसे रेस्टोरेंट में बनाई जाती है बिल्कुल मैं वैसे बनाई हूँ, आप पता कर लीजिएगा और इसे आप बना के मुझे ज़रूर बताइएगा। हलीम में आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर लेमन जूस आप ऐड कर सकते हैं, मुझे तो पसंद है मैं कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।